नमामि गंगे अभियान के तहत बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का पानी स्वच्छ हुआ है। इन नदियों में अब दूषित जल और गंदे नालों का पानी सीधे नहीं गिरता। रुद्रप्रयाग से पेश है एक रिपोर्ट। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है रुद्रप्रयाग। यहां बहने वाली अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का पानी अब बिल्कुल शुद्ध है। स्वच्छता के लिए रुद्रप्रयाग नगर को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन 2019 तक यहां स्थिति ऐसी नहीं थी। रुद्रप्रयाग नगर पालिका के सभासद अंकुर खन्ना बताते हैं कि घरों और नालों का गंदा पानी नदियों को दूषित करता था। देखिए, जब तक ये एसटीपी हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है रुद्रप्रयाग शहर में नहीं लगे हुए थे, उससे पहले जो है काफ़ी समस्याएं थी। जैसे गंदी नालियों का पानी और जितना भी कचरा फचरा उसमें मिक्स होके और जितना भी हमारे क्या बोलते ओवरफ्लो पानी होता था, वो सीधा जो बोलते गंगा या गंगा की सहायक धाराओं में जाकर मिल के सीधा जो है नदी को दूषित करता था। एसटीपी प्लांट होने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो प्यूरीफाई हो रहा है पानी और उसके बाद जो नदी में जा रहा है, तो जो है कहीं ना कहीं वातावरण और क्या बोलते हैं पर्यावरण को जो है एक राहत मिली है। नदियों को गंदे पानी से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2019 में रुद्रप्रयाग में 5 एसटीपी प्लांट और 2020 में 1 एसटीपी प्लांट शुरू किया गया। रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी बताती हैं कि जिले में चिन्हित किए गए नालों को एसटीपी से कनेक्ट कर दूषित जल का उपचार किया जाता है। पालिका परिषद रुद्रप्रयाग में चिन्हीकरण के बाद कुल 8 नाले चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कि घरों से निकलने वाला दूषित जल प्रभावित होता है। इसमें किचन वेस्ट एवं बाथरूम का वेस्ट होता है। इन 8 नालों को एसटीपी से कनेक्ट किया गया है, जिसमें कि जल का उपचार किया जाता है और जिससे कि दूषित जल को डायरेक्ट नदी में प्रवाहित होने से बचाया जाता है। यहाँ के DFO वैभव कुमार बताते हैं कि भविष्य में कुछ और एसटीपी बनाई जाने की योजना है। 50 किलोलीटर पर डे से लेके 125 किलोलीटर पर डे तक की क्षमता के एसटीपी अभी जो है संचालित किए जा रहे हैं। 6 के 6 एसटीपी हमारे वर्किंग हैं और भविष्य में भी अगस्त्यमुनि, गौरीकुंड, तिलवाड़ा एवं अन्य क्षेत्रों में गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम हेतु एसटीपी तथा हमारे जो बायोलॉजिकल मीन्स होते हैं उसके द्वारा भी जो है गंदे पानी के ट्रीटमेंट की योजना है। नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीधा असर अलकनंदा मंदाकिनी की सेहत पर पड़ा है, जो आगे चलकर गंगा नदी कहलाती है। इस अभियान का उद्देश्य पहाड़ से मैदान तक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।